सनसनी ऑफ इंडिया। सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुआ ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में गैम्बलिंग का काला कारोबार। आज हम आपको दिखाए गए गैम्बलिंग रैकेट का काला सच। गैम्बलिंग रैकेट चला रहे लोगों को करेंगे हम बेनकाब। स्थानीय थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद भी नहीं की कार्यवाही, लेकिन दक्षिण पूर्वी दिल्ली DCP ईशा पांडेय ने शिकायत मिलने के आधे घंटे के अंदर ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में चल रहे गैम्बलिंग रैकेट को बंद कराने का किया सराहनीय कार्य। गढ़ी की रमेश मार्केट में दो जगहों पर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में जुआ खिलाने की शिकायतें आ रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन अवैध ऑनलाइन कैसीनो और जुआ रैकेट की वजह से काफी लोग बर्बाद हो गए हैं। खुले आम चल रहे अवैध ऑनलाइन कैसीनो और जुआ रैकेट की चपेट में युवा वर्ग भी आ गया। ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में चल रहे गैम्बलिंग की सच्चाई जानने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया टीम गढ़ी की रमेश मार्केट में गई। हमारी न्यूज टीम को पता चला कि गढ़ी इलाके में कालका देवी मार्ग रमेश मार्केट में दो जगहों पर ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में गैम्बलिंग का काला धंधा चल रहा है। हमारी न्यूज टीम खुफिया कैमरे के साथ सबसे पहले रमेश मार्केट में 198/12-13 फर्स्ट फ्लोर पर गई। यहां आधे दर्जन से भी ज्यादा कंप्यूटरों पर ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में गैम्बलिंग का काला धंधा चल रहा था। हमारी न्यूज टीम को पता चला। हालांकि यह कैसीनो बलविदर सिंह बग्गा नाम का एक व्यक्ति चलाता है। हमारे खुफिया कैमरे में मौके पर बलविदर सिंह बग्गा के मामा का लड़का जस्सी कैद हुआ, जो कि उस समय ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में गैम्बलिंग के धंधे को ऑपरेट कर रहा था। आप देख सकते हैं कि कैसीनो की आड़ में गैम्बलिंग का धंधा करने वाला जस्सी कंप्यूटर पर सबसे पहले कैसीनो की साइट पर लॉगिन करता है, फिर जुआ खेलने वाले से नग पैसा लेकर उताना पैसा कैसीनो में लोड कर देता है। हमारी न्यूज टीम को यह भी पता चला कि कैसीनो की आड़ में गैम्बलिंग खेलने वाला अगर विन होता है तो जस्सी उसे 1 रुपए के 36 रुपए देता है। यहाँ हर रोज लाखों रुपए का गैम्बलिंग का कारोबार हो रहा है। हमारी न्यूज टीम को यह भी पता चला कि बलविदर सिंह बग्गा इस धंधे में काफी समय से है और दिल्ली में कई जगहों पर उसके जुआ घर चल रहे हैं। बलविदर सिंह बग्गा ने गैम्बलिंग के इस काले कारोबार से करोड़ों रुपयों की संपत्ति बना ली है। बलविदर सिंह बग्गा की सच्चाई जानने के बाद हमारी न्यूज टीम रमेश मार्केट में ही थोड़ी दूरी पर चल रहे दूसरे गैम्बलिंग के पते पर गई। दूसरी जगह ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में गैम्बलिंग का काला धंधा नुकुल बैसोया और अन्ना नामक व्यक्ति मिलकर चला रहे थे। आप देख सकते हैं बाहर बैसोया एंड कंपनी लिखा हुआ है। इसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि अंदर गैम्बलिंग का काला धंधा चल रहा है। हमारी न्यूज टीम खुफिया कैमरे के साथ अंदर गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लाइन में एक दर्जन से भी ज्यादा कंप्यूटर लगे हुए हैं और जुआरी कंप्यूटरों पर ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। अंदर घुसते ही हमारी न्यूज टीम का सामना अन्ना से हुआ। अन्ना ने अपने आप को कैसीनो का डॉन बताया। आप भी सुनिए अन्ना क्या कह रहा है। मन्नी को बिठाने वाला मैं ही हूँ, नहीं तो बुलाओ, मैं सामने बोलता हूँ। हम रोज ऐसा बना ये वाला जिंदाबाद आयो।
सारे पेंडर से पूछ लेना, मेरे बारे में बता देंगे। वो सही है, बैठो भैया, छोटो कुर्सी दे भैया को, छोटे पांच जा रहे। सुना आपने, अपने आप को गैम्बलिंग का डॉन बताने वाला अन्ना शराब पीते हुए खुद भी ताश के पत्तों से जुआ खेल रहा था। आप यहां भी देख सकते हैं कि जुआरी ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए छोटू नामक लड़के को नकद पैसा दे रहे हैं। छोटू कंप्यूटर में यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर पैसा लोड कर रहा है। यहाँ भी अन्ना विन होने वाले का एक रुपए के 36 रुपए नकद दे रहा था। अन्ना के साथ पार्टनरशिप में गैम्बलिंग का काला धंधा चला रहा नुकुल बैसोया गड़ी गांव का ही रहने वाला है। स्थानीय लोगों से हमारी न्यूज टीम का पता चला है कि नुकुल बैसोया पहले साइकिल पर चलता था, लेकिन गैम्बलिंग के धंधे से करोड़ों रुपए कमाकर पैसे वाला बन गया है। दोनों जगहों के काले कारनामे सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हो गए थे और ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में गैम्बलिंग के काले धंधे की सच्चाई भी हमारे सामने आ गई थी। सच्चाई सामने आते ही हमारी न्यूज टीम ने अमर कॉलोनी थाना प्रभारी को उनके इलाके में चल रहे ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में गैम्बलिंग के काले धंधे से अवगत कराया, लेकिन अमर कॉलोनी थाना प्रभारी ने कार्यवाही करने की बजाय मामले को हल्के में ले लिया। इसके बाद हमारी न्यूज टीम ने दक्षिण पूर्व जिला DCP ईशा पांडेय को अमर कॉलोनी थाना इलाके में ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में चल रहे गैम्बलिंग के काले धंधे के बारे में बताया। DCP ईशा पांडेय ने सूचना मिलते ही आधे घंटे के अंदर कार्यवाही करते हुए गैम्बलिंग दोनों ठिकानों को बंद करवा दिया। DCP ईशा पांडेय की इस कार्यवाही से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।